पिछले 15-20 दिन से मुझे पेन हो रहा था, और जिसमें पिछले 4 दिन से मेरा पैर भी सुन्न हो गया था, पैर में झंझनाहट थी, सुन्न था, पीछे कुछ फील नहीं हो रहा था, और 24 आवर में ना बर्दाश्त करने वाले दर्द से पीड़ित था। यहाँ डॉक्टर अपूर्व से कंसल्ट किया, हमने इनका जो MRI किया उसमें हमें देखा कि था L5-S1 लेवल पे एक बहुत बड़ा सा डिस्क था, एंड ऑल्सो L4-L5 पे एक छोटा सा डिस्क था। तो ये डिस्क इतना बड़ा था, जो स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं हम लोग के कॉमन लैंग्वेज में, कि वो नस पे इतना दबा रहा था कि अभी हमारी जो पेशाब की जो नसें होती हैं उन पे भी इफेक्ट करने लगा था। इट इज़ कॉल्ड इम्पेंडिंग कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम सेकेंडरी टू द डिस्क हर्निएशन विद रेटिकुलोपैथी। उन्होंने बताया कि आपकी स्थिति जो है वो सर्जरी वाली है, और सर्जरी ही इसका अब एकमात्र विकल्प बचा है। हमने माइक्रोस्कोप के माध्यम से बहुत ही ध्यान से देखते हुए चीज़ों को, बोन का थोड़ा सा पीस रिमूव करके जो नस के ऊपर प्रेस कर रहा था उसको हटाया, एंड फिर जो स्लिप डिस्क थी जो कि नस पे दबा रही थी उसको हटा लिया गया। डॉक्टर अपूर्व के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वो जितने अच्छे डॉक्टर हैं उतने ही अच्छे इंसान भी हैं, कि अपने पेशेंट को कॉन्फिडेंस देते हैं। अक्सर लोगों को डर लगता है कि भाई पैरालिसिस ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि सर्जरी से डरना नहीं चाहिए। सोसाइटी में मिथ फैला हुआ है, भ्रम फैला हुआ है कि सर्जरी नहीं करानी चाहिए। सर्जरी अगर ज़्यादा ही डिसहाइनेट हो चुकी है, कंप्रेशन नर्व पे आपकी ज़्यादा आ रहा है, तो सर्जरी ही इसका एकमात्र विकल्प है। अगर हम अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो वी हैव ऑल द रीसेंट फैसिलिटीज अवेलेबल विद अस, वी हैव माइक्रोस्कोप्स, वी हैव लूप्स, वी हैव एवरीथिंग, वी हैव वेरी गुड OTs अवेलेबल। कल सर्जरी हुई है और कल से आज तक मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ कि जो पेन था मेरे में, जो झंझनाहट थी, सुन्नपन था, वो लगभग क्या कह लीजिए, समाप्त ही हो चुका है। वो हॉस्पिटल में सभी का जो काम करने का तरीका है बहुत अच्छा है, सभी का व्यवहार बहुत अच्छा है, सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, कि वो बिल्कुल भी ये फील नहीं होने देते कि आप हॉस्पिटल में हैं। बिल्कुल ऐसे व्यवहार करते हैं, बिल्कुल ऐसे अपने काम करते हैं जैसे आपके घर के ही सदस्य हों।